हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। वेलकम टू स्वरूप क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चार्जेस के बारे में जान चुके हैं, हम लोग क्वांटाइजेशन मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, जैसे क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी, कंजर्वेशन, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड लाइक एंड डिसलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वो होगा एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग जो अब चार्जेस के बारे में आप उसके जानने के बाद सुनेंगे, वो रहेगा फोर्सेस जो इन चार्जेस के बारे में रहता है। जैसे चार्जेस के बारे में आपने जान लिया, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। जैसा कि मुझे थोड़ा सा भी सुनने में आया कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि फंडामेंटल कैसे हुआ चार्ज, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ जब मैं बोलता हूँ कि चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे और जो लॉज उसको डिफाइन करती हैं उसके बारे में। देखिए, जब मैं बोलता हूँ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो जैसा कि आपने जाना है, जो भी हमारी चीज़ें आसपास हैं उन सबके पास मास है, और अगर उन सब चीज़ों के पास मास है तो डेफिनेटली उनके पास मैटर है। दे आर मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर आप जानते हैं इट्स अगर उसके आप बेसिक लेवल पर जाएं तो आपको पाएंगे कि अगर आप डिवाइड करते हो जाए तो अल्टीमेटली आपको एक स्टेज मिलेगी एटम्स की। अब एटम्स जो हैं वो सम अप होके आपको एक क्रिस्टल बना के देते हैं या एक पूरे कंप्लीट सिस्टम बना के देते हैं, कंप्लीट मास बना के देते हैं। सो बेसिक पर्पस है ये कहने का कि सब चीज़ें एटम से मिलकर बनी है। फर्दर हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे एटम मिलके बना हुआ है, और एटम बना हुआ है आपका विद इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अगर फंडामेंटली आप जाएं तो एटम कंपोज्ड है इन पार्टिकल्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स जो होता है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल है, प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। तो अगर आप किसी मैटर के बेसिस पे जाएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती जो एटम से ना बनी हो। अगर कोई चीज़ एटम से बनी तो एटम तो खुद इटसेल्फ बना हुआ है चार्ज पार्टिकल से। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। अगर किसी के पास मास है तो चार्ज तो होना बनता है, बिकॉज अगर मास है देन इट मस्ट बी कंपोज ऑफ एटम्स, एंड एटम्स का जो सब एटॉमिक लेवल पे आप जाएंगे उससे फर्दर डिवाइड करेंगे, गोइंग टू सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलमोस्ट चार्ज, नॉट ऑलमोस्ट, दे आर चार्ज पार्टिकल। और अगर ये चार्ज हैं तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो मैटर बना है वो चार्ज पार्टिकल से बना है। सो दैट्स हाउ आई कैन से, वी कैन से कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आई होप इट विल हेल्प। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगती है। जैसे हम लोग फिर एक एनालॉजी ड्रॉ कर लें, मास पहले पढ़ा था क्लास 9th में, फिर वहीं पर हमने पढ़ी थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास एक पहले प्रॉपर्टी देख ली, फिर मास की वजह से कॉज होती है एक फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके बारे में पढ़ा था हमने। अभी आप लोग चार्ज देख चुके हैं, अब चार्जेस की वजह से एक फोर्स अराइज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स किसने दी थी, व्हाट इज द लॉ दैट गवर्न्स दैट फोर्स, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विकली। फर्स्टली कोलम्स लॉ, देखिए ये वो लॉ है जो आपको दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑपरेट होगी उनके बारे में बताएगा। फर्स्टली अभी से पहले जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, जो मैकेनिक्स आपने देख रखी है, उसमें आपको डेफिनेटली जो फोर्स देख रहे थे वो सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी, जैसे कि आप स्ट्रिंग में टेंशन देख रहे थे या और भी चीज़ें आप देख रहे हो, सब कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, मतलब ये आपकी तब ऑपरेट होती हैं जब दो सर्फेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे नॉर्मल रिएक्शन था, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। बट अभी आप लोगों को जो फोर्स देखने को मिली है या जो आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11th में भी, उसमें कॉन्टैक्ट ना हो या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी चीज़ें कहलाती हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। ये एक चार्ज पार्टिकल, या मैं एक चीज़ ले लूँ, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है, वो मार्स पर, नॉट मार्स, वो मून पर फोर्स लगा रही है, जिस वजह से मून हमारे अर्थ से बाउंडेड है। अब क्या दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है, नहीं, बट स्टिल ये फोर्स एक्ट हो रही है। ऐसी फोर्सेस जो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए बिना ऑपरेट हो सकती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम लोग एक्शन एट ए डिस्टेंस भी कहते हैं। ये एक डिस्टेंस है, ये अपना एक्शन शो कर देते हैं, और ऐसी फोर्सेस जो होती हैं वो इंटरैक्ट करती हैं बाय फील्ड। एक फील्ड होती है, जैसा कि आपने नाम सुना है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वैसे ही हमारे चार्ज के अराउंड भी एक टाइप की फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बट तब तक के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलम्स लॉ।
अब कूलम्स लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं, कूलम्स लॉ कहते हैं कि इफ वी हैव अ टू चार्जेस, अगर हमारे पास इफ वी हैव चार्जेस से Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कॉल इट R. तो इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूं Q1 एंड लेट्स कॉल इट Q2, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास और इनके बीच में जो दूरी है लेट्स कॉल इट R, ये इनके बीच का सेपरेशन है. दिस इज चार्ज Q1 एंड से दिस इज चार्ज Q2, और इनके बीच में जो दूरी है वो है R. तो जो फोर्स Q1 पे लगेगी Q2 की वजह से, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और यही फोर्स इनवर्सली डिपेंड करने वाली है आर स्क्वायर पर. मतलब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी. देखिए ऐसी ये जो लॉ होती है इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो जो फोर्स होगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यही फोर्स. ये स्टेटमेंट जो आप सुन रहे हैं ठीक आप रिलेट कर पा रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कुछ ऐसा था, जो फोर्स लग रही थी दो मासेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इन अ सेम सिमिलर वे यहां पर भी ठीक वही चीज है, बट विद द डिफरेंस वहां पर मासेस थे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इंट्रैक्शन था, अब यहां पर दो चार्जेस हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. यस, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दिस फोर्स इज ऑपरेटिंग बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ठीक ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सप्रेशन था उससे कुछ कुछ मैच कर रहा है, आई थिंक कंप्लीटली मैच कर रहा है, बस इसको छोड़ के, क्योंकि यहां पर सोर्सेज जो है वो चार्ज है और वहां पर सोर्स जो था वो मास था. ओके, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका. देखिए कूलम्स लॉ कहते क्या है, इट स्टेट्स दैट, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था कि द फोर्स द एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, यहां पर तो ये हम लोग यहां पे कहते हैं इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the, is directly proportional to the product of the two charges, or you can say simply the product of charges and is inversely proportional to the square of distance between them. So it's a completely similar statement जो आप एक दफा पहले देख चुके हैं gravitation में. So it states that the force between the two charges is directly proportional to the product of the two charges and is inversely proportional to the square of, it is inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हमारे पास चार्ज है या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, कंसीडर वी हैव टू चार्जेस, इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, तो इस स्टेटमेंट से एक बात तो मुझे ये पता लगी, लेट्स कॉल इट 1, और एक बात मुझे ये पता लगी, लेट्स कॉल इट 2. सो मैं लिख सकता हूं
combining one and two, we have F is equals to Q1 Q2 upon R square. या मैं इसको लिख सकता हूँ F is equals to K Q1 Q2 upon R square. आगे कंटिन्यू करके लिख सकते हैं where K is proportionality constant and is called electrostatic force constant. ओके लिख लीजिए इसको आप लोग. के की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू 9×10⁻⁹. इसकी वैल्यू होती है आपकी कुछ इतनी. आप अगर इसकी मैं यूनिट लिखना चाहूं तो आप देख सकते हैं आप इस एक्सप्रेशन से यूनिट निकाल सकते हैं. एफ यहां पर न्यूटन है, आर स्क्वायर ले जाइए इट्स मीटर स्क्वायर, और यहां पर आपका कूलम स्क्वायर नीचे चला जाएगा. सो इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर इनवर्स. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट. देखिए वहां पर जी हुआ करता था, यहां पर वी हैव अ के. ओके सेकेंडली एक और बात, वहां पर जो हमारा कॉन्स्टेंट हुआ करता था उसको बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. कभी आपने सोचा है वाई इट वॉज कॉल्ड या वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट? ये यूनिवर्सल शब्द क्यों है उसमें? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडीज को चूज कर लीजिए, आपको जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलेगा. वहां पर जो जी हुआ करता था या अभी तक हम लोगों ने जो भी फोर्स पढ़ी थी ग्रेविटेशन में, जैसा मैं अभी ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ डोमिनेंटली, तो ग्रेविटेशन में ऐसा आपने कभी नहीं पाया था कि दो फोर्सेस जो होने वाली हैं उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो चेंज हो जाएगा अगर हम उन दोनों के बीच का मीडियम चेंज कर दें. जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जैसे सन और अर्थ का केस ले लीजिए. सन और अर्थ के बीच में है हमारी एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन को अर्थ से या अर्थ को सन से इंट्रैक्ट कराती है या अट्रैक्शन शो करती है. तो क्या वो फोर्स डिपेंड कर रही है कि अर्थ और सन के बीच में कौन सा मीडियम मौजूद है? जैसे अगर मैं सन से अर्थ तक आऊँ तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो तो कुछ किलोमीटर्स तक मौजूद है, तो वहाँ पर तक तो मीडियम आपका कह सकते हैं आप एयर है जिसके अंदर नाइट्रोजन सब बहुत टाइप की गैसेज है, बट बियॉन्ड दैट अर्थ से सन तक की दूरी में बाकी सब वैक्यूम है, तो मीडियम तो डिफरेंट है. तो क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं अर्थ से लेकर सन तक पूरा एटमॉस्फेयर कर दूँ या अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या फोर्स पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होती है. ओके इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. जैसे अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूंगा आपको. ये जो 1.1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज प्रोनाउंस्ड एट एप्सिलॉन नॉट. मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट. इसको हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते हैं. ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच इज फिलिंग बिटवीन व्हिच इज फिल्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस. कौन सा मीडियम इन दो चार्जेस के बीच में फिल्ड है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है. दैट मींस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. चलिए इस पे चल देते हैं, बट बिफोर दैट मैं इसके बारे में कुछ चीजें आपसे कह दूं. ये तो एप्सिलॉन नॉट कहलाता है. के जो होता है its value depends upon the medium and the system of unit chosen. ओके मैं इस पर थोड़ी सी आपको और बात करूंगा. जैसे कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट जानते हैं, एसआई सिस्टम होता है, सीजी सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, एफपी सिस्टम होता है, काफ़ी सिस्टम ऑफ यूनिट है. एक होता है ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आपने
पढ़ा हुआ है, फोर्स की यूनिट होती है kgf या kg वेट, तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं। तो हमारा जो k की वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इस k को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर, ये आपको डिपेंड कर जाएगी वैल्यू इस बात पे कि आपका मीडियम कौन सा है, बिकॉज अगर मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए होल इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, इसकी वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि जब आप उस क्वेश्चन को जिसमें आप ये वाला फॉर्मुलेशन इस्तेमाल कर रहे हो, उस दौरान आप चार्ज की और डिस्टेंस की कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में ले रहे हो। तो अगर आप चार्ज की SI यूनिट लोगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, अगर आप चार्ज की और डिस्टेंस की CGS यूनिट लेंगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। वी विल सी दिस थिंग। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एप्सिलॉन के बारे में डिटेल्स हो जाए। जैसा कि एप्सिलॉन के बारे में जान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, जब मैं फ्री स्पेस कहता हूं, दैट मीन्स वैक्यूम, और एयर, ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम, दैट इज वैक्यूम एंड एयर, या और एयर, चाहे आपका एयर मीडियम हो दो चार्जेस के बीच में, चाहे वहां पर वैक्यूम हो, आप उसको एप्सिलॉन नॉट से ही डिनोट करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे ये बात हो गई है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10^-12। ये कुछ एयर के बारे में या एप्सिलॉन की वैल्यू है। वी विल डू द यूनिट्स, बट उससे पहले कूलम्स लॉ के एक परफेक्ट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को, के की वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर दूं, तो एफ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी, ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू चार्जेस विच आर placed in air or vacuum at a distance r। ये बात मुझे कैसे पता चल रही है या air में है या vacuum में है? देखिए, इससे अगर यहां पर epsilon बना है और उसके नीचे you have a knot, this, अगर ऐसा आपको कभी situation दिखती है, then definitely ये जो force लिखी है दो charges के बीच में है, उसको r distance पर रखे हैं और साथ ही साथ वो air में रखे हुए हैं, ये epsilon knot मुझे बता रहा है इस बात को। लेकिन अगर आप वैक्यूम लिख रहे हैं तो यहां पर आप f वैक लिख सकते हो, और या तो आप लोग यहां पर एक और नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, एफ नॉट वैक्यूम के लिए। ओके, सो के हमारा कहला रहा है ये चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से, जिसकी वैल्यू इतनी है, और इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है मीडियम पर, सिस्टम ऑफ यूनिट पर जो आपने चूज करी है। अगर आप इन चीजों को कंबाइन करें एंड यू राइट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स लॉ, सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगेन, अगर मैं इसमें इसकी बात करूं परमिटिविटी की, देन परमिटिविटी इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को हम लोग स्पेशली कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, फ्री स्पेस विच इज वैक्यूम ऑल्सो, और एयर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है एंड दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू, ये एयर के लिए है और वैक्यूम में ये वैल्यू फिक्स्ड हुआ करती है। इसकी यूनिट आपका काम है, निकाल के देखिएगा, आप यहां से चूज कर सकते हैं यूनिट। अब वन मोर फैक्ट, अगर इफ ये जो दो चार्जेस आपने चूज करे हैं, इनके बीच में एयर मीडियम नहीं होता, और इनके बीच में एयर छोड़ के यू हैव सम अदर मीडियम, सपोज ये चार्ज पानी में रख दिए जाए, सपोज एक ग्लिसरीन में रख दिए जाए, सपोज इनके बीच में कैरोसिन रख दिया जाए, सपोज इनके बीच में मेटल रख दिया जाए, ये सब मीडियम आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे, देन इस मीडियम पे या इस फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, तो पहले इसके बारे में एक चीज और, एप्सिलॉन नॉट, फर्स्टली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ये पहली बात। तो प्रॉपर्टी किसकी होती है? मीडियम की। चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट से इसका कोई मतलब नहीं है। एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट डिफरेंट प्रॉपर्टी, और ये मीडियम को सिग्निफाई करती है। मीडियम चेंज करेंगे आप, फोर्स चेंज हो जाएगी। आई होप इट मेक्स सेंस।
डन। देखिए नेक्स्ट, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, किसी भी और मीडियम के लिए एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, इन दोनों मीडियम को छोड़ के अगर मैं किसी भी मीडियम की बात करूं, मैं सिग्निफाई नहीं कर रहा हूं कौन सा मीडियम, इट कैन बी एनी मीडियम, देन ये वाली लॉ कोलम्स लॉ कैसे लिखते हैं हम लोग, तो उस केस में आप लिखेंगे एफ, यू कैन यूज द नोटेशन एफ मीडियम, और सिंपली यू कैन राइट एफ इज इक्वल्स टू, यहां पर आप लिखेंगे 1/4πε0, नहीं बनाया जाएगा बिकॉज नॉट इज रिजर्व्ड फॉर वैक्यूम एंड एयर, तो यहां पर आप सिर्फ लिखने वाले हैं 4πε0 नहीं होगा, सॉरी। सो यहां पर q1 q2 upon r square, ये एक्सप्रेशन होगा कूलम्स लॉ का किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो कि r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, जिनका मैग्नीट्यूड q1 और q2 होने वाला है, और जिस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम का जो परमिटिविटी होने वाली है वो एप्सिलन है, और एप्सिलन डिपेंड इस बात पे करेगी कि मीडियम कौन सा है, एप्सिलन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसा कि आपने एप्सिलन नॉट देखा ये वैक्यूम और एयर के लिए होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है, बट एप्सिलन की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि मीडियम कौन सा है, मीडियम वाटर है, मीडियम आपका ग्लिसरीन है, मीडियम आपका कैरोसिन है, मीडियम आपका इथाइल अल्कोहल है, मीडियम आपका नाइट्रोजन है, मीडियम आपका हीलियम है, मतलब दो चार्ज के बीच में जो प्रिवेलिंग मीडियम है वो कौन सा है। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे मीडियम कौन सा, हम लोग इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये एप्सिलन की वैल्यू कितनी होने वाली है। ओके, मेक सेंस? ओके, डन। एक और चीज यहां पर मैं ऐड ऑन कर दूं, पहले मैं बात करूंगा देखिए q1 q2 ग्रेटर देन 0 की और q1 q2 लेस देन 0 की, बट इससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, हम लोगों ने यहां पर एक पॉइंट देखा था कि k की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पर और सिस्टम ऑफ यूनिट पर। मीडियम तो आप देख चुके कि k की वैल्यू, अगर मैं k लिखूंगा वैक्यूम के लिए तो इट इज 1/4πε0, लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा किसके लिए, किसी मीडियम के लिए, देन इट इज 1/4πε, सिंपली। ओके, सो अब एंड SI यूनिट, अगर आपकी SI यूनिट है देन इज योर एफ इज सिंपली 1/4πε0 और एप्सिलॉन जो भी आप लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा फॉर एनी मीडियम, अगर एयर है तो आप एप्सिलॉन नॉट लगा लीजिएगा, लेकिन इफ यू आर यूजिंग सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सीजीएस यूनिट, अब अगर आप एफ की बात करेंगे देन इट इज q1 q2 upon r square। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, अगर आप सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब चार्ज आप यूज करेंगे स्टैट कूलम में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1, मैं यहाँ पर आपको लिंक डाल दे रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको लेक्चर फर्स्ट मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इसकी सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस रखूँगा, तो यहाँ पर आपको 1/4πε0 की वैल्यू 1 इस्तेमाल करनी है, दैट मीन्स 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 1 इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट 1/4πε1, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। आई होप इट इज क्लियर, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, एक बार रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को, सिंपल स्टेटमेंट वो तो आपने देख लिया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 इनवर्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है 1/r square, देन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगा उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होगी अगर मैं डील कर रहा हूं वैक्यूम के लिए, इफ यू आर डीलिंग विद वैक्यूम और एयर,
9×10⁻¹ इसकी वैल्यू जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर इनवर्स एप्सिलॉन नॉट इसको प्रोनाउंस करते हैं, अगर आप कभी वैक्यूम में इस्तेमाल करेंगे इट इज़ नॉट। इसकी वैल्यू डिपेंड करने वाली है मीडियम पर और सिस्टम ऑफ यूनिट पर। मीडियम की बात यह है कि अगर मैं उन दो चार्जेस के बीच को जगह दो चार्जेस हैं वो रखें हवा में और मैं उनको पानी में रख दूं जाके, या किसी हनी में डुबो दूं, या मैं ग्लिसरीन ले लो, कोई भी एक लिक्विड इथाइल अल्कोहल ले लें, कुछ भी ले लें, तो उन पे कुछ फोर्स का कॉन्स्टेंट के चेंज हो जाएगा, तो उनके बीच की जो ऑपरेटिंग फोर्स है वो भी चेंज आएगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्स बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बट फोर्स विल गेट इफेक्टेड, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, दैट मीन्स इट यूज टू बी एप्सिलॉन नॉट, बट अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो यहाँ पर एक डिफरेंट वैल्यू आने वाली है, फोर्स पे फर्क पड़ेगा, आप बढ़ने वाली है या इंक्रीज होने डिक्रीज होने वाली है, ये हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। सो वी आर डन विद दिस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ इतनी होने वाली है। यूनिट्स के बारे में अगर आप देखिए तो यूनिट्स इसके रिवर्स कर दीजिए सब, आपको कुछ नहीं देखना है। जैसे मैं कर सकता हूँ न्यूटन वर्ड्स मीटर स्क्वायर और कूलम प्लस कट। अब कैसे हो सकता है ये देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इधर गया, फोर्स नीचे पहुंचा, तो कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर, नीचे फोर्स पहुंच गया, इसको जब ऊपर लेंगे तो इट इज न्यूटन इनवर्स, डिस्टेंस ऑलरेडी नीचे है तो मीटर स्क्वायर इनवर्स। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। ओके अब ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ थोड़ा छोटा सा डिफरेंस व्हिच इज नोटिसेबल, बाकी और ब्रॉड सेंस में भी होंगे, बट छोटी सी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, जो कि हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। ओके सो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल कर जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तब भी रिपेल कर जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्शन, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव फिर भी अट्रैक्शन। देखिए इस चीज़ को कभी कभी इस बात से सिग्निफाई करा जाता है, ये यूजुअली बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, मैं इसको लिख देता हूँ कि अगर मैं ये लिखता हूँ Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो तो इसका क्या मतलब है, और Q1 Q2 लेस देन जीरो तो इसका क्या मतलब है। देखिए Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है रिपल्शन, या दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच की रिपल्सिव फोर्स। देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि अगर चार्ज Q1 का नेचर नेगेटिव है और Q2 का भी नेचर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव सम हो गया, प्रोडक्ट इनका जब होगा तो वो पॉजिटिव नंबर बनेगा, और पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, और ये तभी ग्रेटर देन जीरो बनेगा जब ये दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इन दैट केस इट इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर दोनों ये सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स हमेशा रिपल्सिव होगी। इसी का ठीक उल्टा ये है, अगर एक भी चार्ज में नेगेटिव है देन होल नंबर विल बी लेस देन वन, लेस देन जीरो, और ऐसा तभी होगा जब दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी अट्रैक्टिव फोर्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके That's all for the Coulomb's law part 1. Part 2 में हम लोग कुछ और बातें करेंगे, Coulomb's law अभी फिनिश नहीं हुआ है, Coulomb's law के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, उसको हम लोग देखेंगे part 2 में। थैंक यू।